Today we are going to discuss about the electron microscopy and its types. This is our last type of microscopy. So let's get started. What is electron microscopy? सबसे पहले इसको develop किसने करा था हम वो पढ़ लेते हैं. इसको सबसे पहले जो है हमारा biological specimen पे Albert Claude ने जो है इसको discover करा था 1930s में. उन्होंने सबसे पहले इसको जो है वो use करा biological specimen पे. फिर उसके बाद हमारे और साइंटिस्ट आए जैसे कि केथ पॉटर कह लीजिए या फिर जॉर्ज पैलेट. इन्होंने इसको 1940 और 1950s में जो है इसको डिस्कवर करा दोबारा से. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली किस लिए थी, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर रेजोल्यूशन देती है हमारे को एज कम्पेरेटिव टू लाइट माइक्रोस्कोपी. लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो नॉर्मली लैब्स में, कॉलेज लैब्स हो गई या फिर स्कूल लैब्स हो गई, वहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का. लेकिन जैसे हमारी रिसर्च लैब्स हैं जहाँ पे हमें रिसर्च करनी पड़ती है, तो वहाँ पे मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर रेजोल्यूशन देता है एज कम्पेरेटिव टू दी लाइट माइक्रोस्कोप. तो जितनी बड़ी बड़ी हमारी रिसर्च लैब्स हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. तो इस ये जो है हमारा, इसमें हम 0.04 नैनोमीटर तक जो है शॉर्ट वेवलेंथ दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी कि 1 लाख टाइम्स जो है शॉर्टर होती है हमारी देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम जो वेवलेंथ है वो स्मॉल देंगे तो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा होगा. तो इसका जो एक अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम 0.02 नैनोमीटर तक जो है इसकी रेजोल्यूशन ला सकते हैं. अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी 0.2 माइक्रोमीटर थी, बहुत ज़्यादा है इससे. तो हमें कम रेजोल्यूशन चाहिए कि हम 0.02 नैनोमीटर तक जो है उसकर किसी स्पेसिमेन की रेजोल्यूशन हम ला सकते हैं. ऐसा प्रैक्टिस में नहीं हुआ कि 0.02 नैनोमीटर आई है, लेकिन अगर हम थ्योरीली बात करें तो 0.02 नैनोमीटर तो इसकी रेजोल्यूशन जा सकती है. नॉर्मली इसकी रेजोल्यूशन जो प्रैक्टिस में जो है वो ऑब्टेन की गई है वो 0.2 नैनोमीटर तक जो है वो की गई है. काफ़ी अच्छी है ये भी एज कम्पेरेटिव टू लाइट माइक्रोस्कोप. अगर हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है तो 100-fold इम्प्रूवमेंट जो है इसकी है रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से. ऑब्वियसली बात है, जब उसकी रिजॉल्विंग इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी कम आ रही है 0.2 नैनोमीटर, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेरेटिव टू लाइट माइक्रोस्कोप. अब इसके टाइप्स पे अगर हम आएँ तो ये हमारी दो टाइप की होती है. एक तो होती है हमारी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरी होती है हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है हमारी, ये सिमिलर होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की. जैसे हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हमने पढ़ी थी, अगर आपने नहीं अभी तक उसकी वीडियो देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, उसकी वीडियो है. और नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी दे दूंगी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी अगर आपने नहीं देखी है. तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्पेसिमेन फिक्स्ड और स्टेन किए जाते हैं विद द सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, जैसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में करते हैं. और उससे फिर हम जो है इलेक्ट्रॉन्स, अबीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कराते हैं, वो फिर स्कैटर्ड होते हैं और उससे हमें एक इमेज जो है वो मिलती है, एक फोकस कराते हैं हम स्पेसिमेन का, जिससे कि हमें एक इमेज मिले ऑन अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन. तो जो एनकाउंटर सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनकाउंटर करेंगे हैवी मेटल आयन को. अब देखिए मैंने इसको कहा कि हम स्टेन करा रहे हैं इसको हैवी मेटल से, तो अब जो एनकाउंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स हैवी मेटल आयन से, वो जो हमारे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फाइनल इमेज वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टेन्ड एरिया होगा स्पेसिमिन का, वो हमें डार्क मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हमारी लाइट नहीं पास कर पाई, वो डिफ्लेक्ट बैक हो गई. फिजिक्स सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत 11th 12th में, तो वो क्या हुई, वो डिफ्लेक्ट कर गई. डिफ्लेक्ट कर गई तो आगे इमेज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो हमारा स्टेन्ड एरिया होगा वो हमारा डार्क दिखता है. इसको हम दो तरीके से जो है वो स्टेन कराते हैं, या तो पॉजिटिव स्टेनिंग कराते हैं या फिर नेगेटिव स्टेनिंग कराते हैं. तो अगर हम पॉजिटिव स्टेनिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा टिश्यू स्पेसिमेन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसको हम थिन सेक्शंस में जो है वो कट करेंगे, उसको स्टेन कराएंगे हैवी मेटल सॉल्ट से, जिससे कि वो रिएक्ट करें हमारे लिपिड प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है हमारे स्पेसिमेन. ठीक है, क्या करा हमने, पहले उसको थिन सेक्शन में कट करा, उसको स्टेन कराया हैवी मेटल से. जब वो स्टेन्ड हो जाएगा तो ये हैवी मेटल क्या करेंगे, ये हमारे वेराइटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे जो है वो बाइंड करेंगे, जो कि यूजुअली क्या होंगे, हमारे डार्क दिखेंगे फाइनल इमेज में. अब अगर हम दूसरी तरफ नेगेटिव स्टेनिंग की बात करें तो ये हमारे इंटेक्ट बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उनको विजुअलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए या फिर सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हो गए और मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए. अगर हमें इनके बारे में पढ़ना है तो हम नेगेटिव स्टेनिंग कराते हैं,
पॉजिटिव स्क्रीनिंग हम जब कराते हैं जब हमें लिपिड प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना हो, तो अगर हमें इनके बारे में पढ़ना है तो हम क्या करा रहे हैं, नेगेटिव स्क्रीनिंग करा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल स्पेसिमिन है उसको हम एक सपोर्टिंग स्पॉटिंग फिल्म होती है उस पर डिपॉजिट करा देते हैं, जिससे कि जो हमारा हैवी मेटल स्टेन है वो ड्राई हो जाए उसके सरफेस पे। तो ये क्या होगा, जो हमारा अनस्टेन स्पेसिमिन है उसके सराउंड क्या आ जाएगी, हमारी एक फिल्म आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंस स्टेन कहते हैं हम इसे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा स्पेसिमिन है वो लाइट दिखेगा अगेंस्ट दी डार्क बैकग्राउंड। क्योंकि क्या हुआ, उसके पीछे जितने भी हमारे लिपिड वगैरह थे वो सब तो डार्क हो गए, क्योंकि हमने उसको एक फिल्म पे जो है वो सपोर्ट कराया। पीछे वाला जो बैकग्राउंड डार्क होगा तो उसके ऊपर जो चीज़ होगी वो हमें लाइट ही दिखेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो लाइट दिखेगी। यानी इसमें हम स्पेसिमिन को स्टेन नहीं करा रहे, इसके पीछे की जो फिल्म है उसको जो है हम वो स्टेन करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक इमेज मिल जाती है स्पेसिमिन की। तो इस फिगर में आप देखिए जैसे पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग दिखा रखी है। पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या है कि जो हमारा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो डार्क दिख रहा है हमें, और नेगेटिव स्टेनिंग में क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं वो लाइट दिख रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे के बैकग्राउंड को स्टेनिंग कराई, अपने स्पेसिमिन को स्टेनिंग नहीं कराई। तो ये फर्क होता है हमारा पॉजिटिव स्टेनिंग में और नेगेटिव स्टेनिंग में। तो इस तरीके से हम जो है वो पढ़ते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। दूसरी हम बात करें अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें 3D इमेज देती है किसी भी सेल की। ये हमें 2D इमेजेस दे रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें 3D इमेज देगी किसी भी सेल की। इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास नहीं कराते किसी भी स्पेसिमिन से। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसको हम कोट कराएंगे हैवी मेटल से, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू स्कैन अक्रॉस द स्पेसिमिन। उसके अंदर से पास नहीं करा रहे, उसके आसपास जो है हम वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड डालते हैं, जिससे कि हम उसके बारे में पढ़ सकें। तो अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए या फिर इमिट हुए हमारे सैंपल सरफेस से, वो हम कलेक्ट करेंगे जिससे हम एक 3D इमेज बना सके कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मूव करी है अक्रॉस द सेल, उस तरीके से उसकी क्या हो जाएगी, 3D इमेज बन जाएगी। अब जहाँ जहाँ हम आसपास अपने कोई भी चीज़ रखें हम उसके आसपास मूव करें, सपोज आपको एक सर्कल बनाना है, अगर आपके पास कंपास नहीं है कुछ नहीं है तो आप क्या करते हैं, कोई कड़ा ले लेते हैं या कोई गोल चीज ले लेते हैं, उसके आसपास अपनी पेंसिल फहराते हैं ना, उसके अंदर तो नहीं डालते, उसके अंदर डालेंगे तो हमारा सर्कल नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज ले रहे हैं और उसके आसपास अपनी पेंसिल फहरा रहे हैं, तो उससे हमें इमेज मिल जाती है। तो इसी तरीके से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है कि हमारा जो सेल है उसके चारों तरफ हम जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कराएंगे, जिससे कि हम फिर उनको इकट्ठा करके उनकी 3D इमेज बनाएंगे जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव करिए। अब इसमें क्या है कि जो हमारी रिजोल्यूशन है स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी की वो सिर्फ 10 नैनोमीटर तक है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की 0.2 नैनोमीटर है, लेकिन इसके अगर हम टाइप पे जाएं तो स्कैनिंग की सिर्फ हमारी 10 नैनोमीटर तक जो है वो जा पाती है। तो इसलिए ये सिर्फ हमारी पूरे सेल को पढ़ने के लिए ही यूज की जाती है, रादर देन बी यूजिंग फॉर सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोपी हम यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ अगर हमें कोई पूरा सेल पढ़ना है उसके बारे में ही जो है हम वो तभी जो है हम वो यूज कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। ये फिगर भी जैसे दिखा रखी है, तो इस तरीके की इमेज जो हमें ऑब्टेन होती है जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड करते हैं सारे और फिर इमेज करते हैं उसके सैंपल वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की इमेज जो है हमें वो मिल रही है। तो ये था हमारी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपीज या फिर माइक्रोस्कोपिक टूल्स एंड टेक्निक्स, हमारे यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई